नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अटरस। आई एम ओमकार एंड आज देखेंगे महिंद्रा बोलेरो को। ये आती है 3 वेरिएंट्स में, B4, B6 एंड B6 ऑप्शनल। इस वीडियो में देखेंगे B6 ऑप्शनल को, यानी कि टॉप मॉडल को। ये है बोलेरो का 2022 का अपडेटेड मॉडल, जिसमें थोड़े बहुत फीचर्स इधर उधर किए हैं एंड इसमें सबसे बड़ा चेंज है इसके इंटीरियर में, जो हम बाद में देखेंगे। ये महिंद्रा की रेंज में सबसे पुराना मॉडल है। इसका रफ एंड टफ डिजाइन इसे एक कमांडिंग प्रेजेंस देता है, जो बहुत लोगों को पसंद आता है। तो अब देखते हैं इस बोलेरो अपडेटेड मॉडल को डिटेल में। यहाँ पर फ्रंट ग्रिल है, जिसके ऊपर क्रोम की गार्निश है। इसमें हेलोजन हेडलैम्प्स है एंड ये कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ भी आते हैं। कॉर्नरिंग फंक्शन ओनली टॉप मॉडल में आता है। यहाँ नीचे बम्पर में फॉग लैम्प्स के लिए जगह है, जहाँ पर आप बाद में फॉग लैम्प्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पर है बोलेरो का यूनिक फीचर, ये मेटालिक फ्रंट बम्पर। टर्न इंडिकेटर्स यहाँ फेंडर्स के ऊपर है एंड यहाँ पर है बॉडी कलर में फिनिश्ड आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स। रेडियो का एंटीना यहाँ ए पिलर्स के ऊपर प्रेजेंट है। इसके साइड में बॉडी ग्राफिक्स है, जो इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर आते हैं 15 इंच के स्टील व्हील्स अलॉन्ग विथ सिल्वर व्हील कवर्स। ब्रिजस्टोन के टायर्स है एंड इनका साइज है 215x75 R15 का। फ्रंट एंड रियर के व्हील आर्चेस बॉडी कलर में है एंड यहाँ साइड में ब्लैक रनिंग बोर्ड है, जो अंदर बाहर करने में यूजफुल रहता है। यहाँ पीछे है वाइपर, वॉशर एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। रियर वाइपर एंड वॉशर ओनली टॉप मॉडल में आता है। सिंपल से डिजाइन के क्लियर लेंस टेल लैम्प्स है एंड ये भी हेलोजन यूनिट से है। टेलगेट के ऊपर टिपिकल SUV जैसा फुल साइज स्पेयर व्हील दिया गया है। इसके ऊपर व्हील कवर भी स्टैंडर्ड है, जो कि एक बड़ी सी बोलेरो की ब्रांडिंग के साथ आता है। सबसे नीचे बॉडी कलर में रियर बम्पर है अलॉन्ग विद 2 पार्किंग सेंसर्स। देखते हैं इंजन को। यहाँ पर है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर MHOG 75 BS6 डीजल इंजन। कुछ ऐसी दिखती है बोलेरो की फ्लिप रिमोट की, जिसके ऊपर है लॉक अनलॉक एंड अलार्म के बटन्स। डोर हैंडल्स अनपेंटेड है एंड इसके ऊपर थोड़ी सी क्रोम की गार्निश है। तो ओपन करते हैं डोर्स को एंड देखते हैं बोलेरो का इंटीरियर। यहाँ पर है अपडेटेड बोलेरो का सबसे बड़ा चेंज। ये डैशबोर्ड का लेफ्ट साइड पूरी तरह से ऑल न्यू है, क्योंकि बोलेरो के सभी वेरियंट्स में अब 2 एयरबैग्स आते हैं एंड इस एयरबैग को अकोमोडेट करने के लिए इस डैशबोर्ड का डिज़ाइन चेंज किया है। डैशबोर्ड के ऊपर ब्राउन में वुडन की गार्निश है, जो इसे एक प्रीमियम टच देती है। डैशबोर्ड के सेंटर में एक 1DIN का ऑडियो सिस्टम आता है, जो है केनवुड ब्रांडेड एंड इसमें FM रेडियो, AUX, USB एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है। उसके नीचे यहाँ पर मैनुअल AC के कंट्रोल्स है, एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी है एंड सबसे नीचे एक ओपन स्टोरेज स्पेस है। एंड अगर इतना वीडियो देखा है तो लाइक एंड कमेंट करना तो बनता है। बोलेरो आती है ये 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। फ्रंट सीट्स के बीच में ड्यूअल फ्रंट कप होल्डर्स है एंड ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स यहीं पर दिए गए हैं। ये देख लो फ्रंट सीट्स, जो कि आती है एडजस्टेबल हेड रेजिस्टेंस के साथ। डैशबोर्ड के सेंटर में सबसे ऊपर एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है एंड यहाँ पर स्टेयरिंग के सामने है ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो दिखने में श्योरली मॉडर्न लगता है। सिंपल से डिजाइन का स्टेयरिंग व्हील है एंड इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल्स वगैरह नहीं है। स्टेयरिंग के ऊपर का इग्निशन स्विच इल्यूमिनेटेड है, जो रात के टाइम यूजफुल रहेगा। यहाँ ऊपर है हेलोजन डोम लैंप्स एंड सनवाइजर्स। वैनिटी मिरर यहाँ पर नहीं मिलता एंड यहाँ नीचे एक डिसेंट साइज का ग्लोव बॉक्स है। तो अब देखते हैं बोलेरो के रियर सीट्स को। यहाँ पर आता है ब्राउन बेज का ड्यूअल टोन इंटीरियर थीम एंड रियर पावर विंडो का स्विच भी यहीं पर दिया गया है। ये देख लो रियर सीट्स, जो कि आती है 2 एडजस्टेबल हेड रेजिस्टेंस के साथ। रियर सीट्स के सेंटर में एक आर्मरेस्ट भी आता है। सीट अपोल्स्ट्री फैब्रिक की है एंड इसके ऊपर का डिज़ाइन मुझे तो अच्छा लगा।
रियर सीट्स पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा कबी होल है। अब ओपन करते हैं इसके टेलगेट को। यहाँ टेलगेट के ऊपर ग्रैब हैंडल है एंड ये छोटा सा कंपार्टमेंट है जहाँ पर रियर वाइपर के वॉशर फ्लूइड ऐड करने की जगह है। बोलेरो में अभी भी फ्रंट फेसिंग टू जंप सीट्स आती है एंड अगर आप चाहो तो ये फोल्ड भी होती है, जिसके बाद यहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हो। एंड यहीं पर नीचे मैकेनिकल जैक है। पीछे यहाँ पर मेटेलिक फुट पैक भी है जो यहाँ अंदर बाहर करने के लिए यूजफुल रहेगा। ये रही डायमेंशंस बोलेरो की स्क्रीन के ऊपर एंड आपको ये यकीन नहीं होगा कि इस कार की लेंथ 4 मीटर के अंदर है, यानी कि सेम एज ह्यूंडई i20। कलर्स ऑप्शंस की बात करें तो बोलेरो में टोटल 3 कलर्स आते हैं एंड ये है सेफ्टी फीचर्स जो इसके टॉप मॉडल में मिलते हैं। बोलेरो में सिर्फ एक इंजन आता है एंड इसका माइलेज वगैरह आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। एंड फाइनली इसकी ऑन रोड प्राइस लिस्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट द महिंद्रा बोलेरो अपडेटेड मॉडल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ड्राइव सेफ।